भारतीय मीडिया इस पे काफ़ी बोल रहा है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है, मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर ए तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें जो ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कोई स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है, क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमेटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है, कौन है ऐसे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हकान अब्बासी हमारे साबिक वजीर आजम हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फलां मुल्क इन्वॉल्व है, दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया इस हवाले से। ये ना बताएं कि फलां मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया। दुनिया में एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है, इसके अंदर ये जो चीज़ बार बार कही जा रही है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है? एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक्य जो हैं वो हुए हैं। आज पाकिस्तान में मियांवाली, जो कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है, और जिसमें 2 लोग, जो 2 टेररिस्ट हैं, वो मारे गए हैं, और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़ चढ़ के उस पर उनको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है, तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा, एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है, वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है इसके हवाले से जो पाकिस्तान की पुलिस है, जो सिंध की पुलिस एंड पंजाब की पुलिस, दे नीड टू कम अप एंड दे नीड टू ब्रिंग फैक्ट्स अबाउट इट। ये नहीं है कि देखिए ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं,
आप इनको जो है वो इन कहते रहे कि ये लोग जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है टू सपोर्ट जहाद एट दिस मोमेंट, लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन एंड पीपल एंड दे हैव बिन फॉलोइंग देम। इसी तरह अगर आपको याद होगा कि जो हाफिज सईद की जो रहाइश का, आई थिंक लाहौर में जोर टाउन, वहाँ बहुत बड़ा हमला हुआ था, एंड दे जिन्होंने ये करवाया था उनको ये समझ थी कि हाफिज सईद इस जगह पे है और इधर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको बारूद से भरा हुआ गाड़ी चाहिए, और उसे जो जिस जिस अल्लाह बंदे तक पहुंचना है वो उसके घर के इतनी दूर ये गाड़ी खड़ी होगी, और वो गाड़ी में बारूद फटेगा तो हो सकता है वो बंदा भी मारा जाए, इर्द गिर्द तो जो तबाही होगी वो होगी। तो उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा था कि इसके इंडिया से ताने बाने जुड़ते हैं, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये ताने बाने जुड़ना इज़ नॉट समथिंग ऑफ वैल्यू। द मोस्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ समवन एल्स मेक्स द केस, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रही है इस हवाले से, एक बात। दूसरा ये है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसके पास हम बार बार डॉजियर्स लेके जाते रहे हैं, वो इस हवाले से क्या बात करते रहे हैं? मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर, आई एम एन इंडिया वॉचर, आई कीप लुकिंग क्या वहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये ट्रेंड जिस स्पीड से देखें, अगले दिन इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में क्वेश्चन उठ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो कनाडा में वाकयात हुए उस पर कनाडा और अमेरिका ये कह रहे हैं इंडिया से कि हमारे से कोऑपरेट करें, इट मीन्स शेयर, जो हमने आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर किया उसके हवाले से हमें बताएं। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो मेरा नहीं ख्याल देर विल बी एनी कंट्री विच विल टॉक विद इंडिया कि आप पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें, एंड पाकिस्तान इस मसले को मेरा नहीं ख्याल इतने हाई लेवल पे लेके नहीं जा रहा, और अगर नहीं लेके जा रहा तो क्यों नहीं लेके जा रहा, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर का ये कह देना जी कि बलूचिस्तान में जो मसला ये रॉ का है, रॉ के दहशत गर्द हैं और ये है, ठीक है, यू आर एन इंटीरियर मिनिस्टर, योर वर्ड्स हैव अ वैल्यू, बट स्टैंडिंग इन क्वेटा सेइंग ऑल दीज थिंग्स डजेंट मेक के जी ये इस मसले को ऐसे देखा जाए। मेरा ख्याल है द गवर्नमेंट शुड हैव अ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल द काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ये तो नहीं है अगर क्या अमेरिका बाकी मुल्क इसके ऊपर कंडेम कर रहे हैं सारे जी, वाशिंगटन ने भी कंडेम कर दिया, सऊदीज़ ने कर दिया, अमरातीज़ ने कर दिया, तुर्की ने, फ्रांस ने, सब ने कंडेम कर दिया। वो भाई सिर्फ कंडेम करने से तो कोई मसला नहीं है ना, कंडेम तो मैं भी कर रहा हूँ, कंडेम तो आम आदमी भी कर रहा है। सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास, द गवर्नमेंट शुड हैव अ सोल्यूशन। हर रोज़ आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जी हमें ये जो बंदा ये मारा गया है और अब हम ये कहेंगे जी कि ये एक इसके ऊपर जो है वो हम इसको कंडेम करते हैं। अब ये पुलिस ने इस पे क्या जो है वो कहा जाता है कि कार्रवाई करती है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर करती है अमूमन, क्योंकि हमारे यहाँ फॉलो अप नहीं होता, जब फॉलो अप नहीं होता तो देन वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन कि इंटीरियर मिनिस्टर कह दे रॉ इन्वॉल्व है, हर रोज़ पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैस शूटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ TTP एक जो है वो अलहदा हमले कर रही है, 2007 से जो TTP की एक्टिवेशन है वो हमारे सामने नज़र आ रही है, और उसके बाद फिर 2020 में वो मजीद एक्टिव होते हैं, 8 से 10 हज़ार बंदे वो अलहदा लगे हुए हैं, दाइश अलहदा लगी हुई है, बलोच मिलिटेंट्स अलहदा लगे हुए हैं, एंड देन आपके पास ये जो साइलेंट किलर्स हैं ये अलहदा लगे हुए हैं। अब हमने किस किस को फॉलो अप करना है? 2 दिन पहले तो हम फॉलो अप कर रहे थे TTP को, उससे पहले हम फॉलो अप करेंगे जी बलोच मिलिटेंट्स को, उससे पहले आप फॉलो अप करेंगे जी जी दाइश लगी हुई है, एंड देन ये जो साइलेंट किलर्स हैं इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? ये नहीं है कि जो रियासत के अदारे हैं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, दे डेफिनेटली हैव एन आंसर एंड दे मस्ट बी शेयरिंग, और ये एक हलचल मची होगी इस वक्त। ये देखें, इफ पाकिस्तानी मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है कि जी एक किस तरह का बंदा जो है वो मारा गया है, और इंडियन मीडिया उसको बहुत मैसिवली चला रहा है,
ठीक है, और इंडियन मीडिया इसको ये चला रहा है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, बिकॉज इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस इंडिया शुड डू इट, इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए, विच टेल्स द के जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट, वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं, सो वी हैव टू गेट रिवेंज आउट ऑफ ऑल दैट, बट इट इज़ जॉब ऑफ अ पाकिस्तानी स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन, एंड इफ द पीपल आर टू ब्रॉट टू जस्टिस देन इट इज़ अ जॉब ऑफ द स्टेट, नॉट वी जस्ट कैन नॉट अलाउ एनी वन अब्रॉड सिटिंग कि जी वो फैसला करे जी इस बंदे को मार दें या इस बंदे को ऐसे कर दें। सो मुझे मेरे मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये बड़े अचंभे की बात है, इफ़ दीज आर लोनली इंसिडेंट्स, एक आधा ऐसा वाकया हो गया कहीं पे जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग जो हैं किसी अपनी दुश्मनी में मारे गए हैं या ये लोग इनकी आपस में कोई लड़ाई है, तो दैट वुड बी समथिंग दैट जो जो वाकई सामने आएगी, लेकिन इफ इट इज़ समथिंग लाइक के जी इसके पीछे कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो वाकई चाह रहे हैं कि चुन चुन के उन लोगों को मारा जाए, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन 26/11, तो देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड स्पीक ऑन इट, दे शुड स्पीक ऑन इट, अदरवाइज इस तरह तो ये एक बड़ी कमजोरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत की होगी अगर हमने खामोशी से इस तरह के चीज़ों को होने दिया। इट्स नॉट के पाकिस्तान वुड अलाउ क्योंकि दहशतगर्द जो है वो ऑपरेट करें, पाकिस्तान को जब पता चलता है उसकी रियासत को कहीं पे दहशतगर्द हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान की कोर्ट्स में उनको सजाएं दी जाए, उनको जेलों में डाला जाए, द वे हाफिज सईद और उनके बहुत सारे जो लोग हैं उनको जेलों में डाला गया है, जिन जिन को डाला गया, और कई दफ़ा कहा जाता है बड़ा फ्रेंडली ट्रीटमेंट है उनके साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे हैव बीन एन एसेट फॉर द स्टेट इन द पास्ट, सो द स्टेट गोज फॉर पनिशिंग दैम इन इट्स ओन वे, वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेनिट्रेशन है, इफ़ इट इज़ रॉ पेनिट्रेशन देन इट शुड बी डिस्कस्ड, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तानी, इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, आई विश के पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती एंड देन द पार्लियामेंटेरियंस वुड हैव आस्क द क्वेश्चंस, एंड इस वक्त तो प्रोविंशियल भी असम्बली कोई नहीं मौजूद है, सो ये भी शायद एक माइंडसेट हो कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्स मौजूद नहीं है प्रोविंशियल एंड नेशनल, सो इट्स अ गुड वे कि जी आप ऐसे लोगों को टारगेट करें बिकॉज द पार्लियामेंटेरियंस वॉन्ट बी इन अ पोजिशन टू रेज सच काइंड ऑफ क्वेरीज, बट इफ देर आर इंटरनेशनल इसमें लिंकेजेस मौजूद हैं इस तरह के मर्डर्स में, तो आई एम ऑफ कंस आई आई कंसिडर दिस इश्यूज ऑफ वेरी कंसर्न बिकॉज फॉर पाकिस्तान इट इज़ नॉट समथिंग विच शुड हमें इसको फ्रीडम देनी चाहिए कि जी आप आए और हमारे मुल्क में हमारे बंदों को मार के चले जाएं। ये लोग जो हाफिज सईद के साथ थे इनको सजाएं दें, आई हैव बिन सेइंग इट टाइम एंड अगेन, हाफिज सईद वॉज अ लाइबिलिटी फॉर पाकिस्तान, एंड हमने कोई जो है वो जहादे कश्मीर शुरू करके हमने को अच्छा रेपुटेशन नहीं कमाई उससे, ना हमने वो जो सारी की सारी एक स्ट्रगल थी उसको एक नया रंग दे के हमने उसके जो जो फ़ायदे होने थे वो भी नुकसान होने शुरू हो गए, सो उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, रियासत पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की जो लेजिटिमेट स्ट्रगल हैं जो कुर्बानियाँ उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया गया और कहा जाता है जी कि ये लोग तो देखें इस तरह रहे हैं, सो लेकिन ये उस वक्त उस दौर के जो साइंसदान थे जो इन इस तरह की थ्योरीज निकालते थे और कहते थे ये हमें ऐसे करना चाहिए, वो तो सारी बातें चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन द स्टेट बेयर्स द बर्डन ऑफ ऑल दैट, इट मीन्स कि जो साइंसदान होते हैं उनको भी जब पॉलिसीज बनानी होती हैं तो वो इस तरह की बनाएं ताकि वो उस वक्त के लिए ना हो, इट शुड कि आज के 20 साल 40 साल बाद उस वक्त की जो रियासत होगी उस वक्त जो स्टेट मशीनरी होगी उनके पास उसको जस्टिफाई करने की चीज़ें भी हों। सो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का बयान दे देना एंड देन इस तरह के वाक़यात होना एंड देन इसको फॉर्मली रेज ना करना, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस ना करना, ताने बाने ना कनेक्ट करना, या तो फिर पाकिस्तान ये समझता है कि हम जितने मर्जी ताने बाने इंडिया के साथ जोड़े दुनिया मानती नहीं है,
और देन वी हैव यूज्ड ऑब्वियसली इंडिया सो मच इन आर सिक्योरिटी डिस्कोर्स कि आप वो कहते हो अच्छा जी ये तो रॉक रहा है, अच्छा यार ये तो मतलब ऑब्वियसली वो ही करवा रहे हैं। तो ये एक हद तक तो चीज़ चल गई है, जैसे इंडिया में हर वक्त आता है जी पाकिस्तान, जरा जरा कश्मीर में कुछ हो जी पाकिस्तान करवा रहे हैं। सो देर इज़ अ साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वो कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान पे कहेंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे। सो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों ये चीज़ें चलती रहती हैं, सो उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन सिंस इंडिया ग्लोबल क्लाउड बढ़ गया है तो वॉट इंडिया सेज इट इज़ हर्ड ग्लोबली, और पाकिस्तान का वो क्लाउड अंडरमाइंड है, तो हमें हमारी कोई बात सच भी बोलिए तो साडा लोग समझते नहीं यार है, कोई नहीं न, 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 मुंडे मुंडे गाल नहीं पर सही कर दें। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव, लेकिन आई एम वेरी मच कंसर्न ऑन दिस। इफ पाकिस्तानी सिटीज आर बीइंग किल्ड ऑन पाकिस्तानी सॉइल और ऑर्डर कहीं और से आ रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन है जिसको ये आंसर इसका तो पार्लियामेंटेरियंस को पूछना चाहिए, बट सिंस द पार्लियामेंटेरियंस आर ऑन ब्रेक और वो तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन की, तो नो बडी इज आस्किंग एंड नो बडी इज रेजिंग दिस क्वेश्चन। बट आई हैव बीन सीइंग इट टाइम एंड अगेन, हाफ अ सईद हैज़ बीन अ लाइबिलिटी फॉर पाकिस्तान, ही इज़ अ लाइबिलिटी फॉर पाकिस्तान, और हमने कोई अच्छा नाम उनकी वजह से नहीं कमाया। लेकिन जिन लोगों ने उस वक़्त इनको लॉन्च किया, दे नेवर रियलाइज के हम ये हालात पैदा होंगे, FATF होगा, अमेरिका जो है वो और दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इसमें डाल देगी और हमें फिर बाद में सजाएं देनी पड़ेंगी और फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आ जाएंगे और उनको